और ये रहा हमारा पराठा, और ये रहा काले गाजर का हलवा जिसकी मैंने बात की थी, है ना। तीनों वो सारी चीज़ें हैं। हेलो जी, मेरा नाम ऋषभ है और मैं बनाता हूँ फूड रिलेटेड ब्लॉग्स। लखनऊ की चौड़ी सड़कों से अब मैं आ चुका हूँ पतली गलियों में, और पतली गलियों की बात करें तो चौक ज़रूर शामिल हो जाता है। तो मैं चौक आया हूँ टुंडे के कबाब खाने। टुंडे की जो सबसे ओरिजिनल शॉप है, सबसे मतलब जहाँ से शुरुआत हुई थी वहाँ पर आया हूँ, है ना। और एक और स्पेशल चीज़ जो बहुत लोग नहीं जानते, मुझे भी नहीं पता थी कि काले गाजर का हलवा भी मिलता है चौक में। सो वैसे गाजर का हलवा फेवरेट है मेरा तो, लेकिन काले गाजर का हलवा मैंने कभी नहीं खाया। पतली गली में तो कई सारे लोगों के आने जाने का रास्ता मैंने रोका है ना। तो जल्दी से मैं अंदर जाता हूँ, कबाब खाता हूँ, काले गाजर का हलवा भी दिखाता हूँ। तो भाई अब स्टार्ट करते हैं। ये रहे हमारे कबाब, है ना, और ये रहा हमारा पराठा, और ये रहा काले गाजर का हलवा जिसकी मैंने बात की थी, है ना। तीनों वो सारी चीज़ें हैं जो अगर आप एक मतलब लखनवी हैं तो आपको खा लेनी चाहिए। तो मैंने कबाब तो खाए, लेकिन मैंने एक गाजर का हलवा कभी नहीं खाया, काले गाजर का हलवा। सो देते हैं पहली बाइट। वाह, मतलब पता चल जाता है कि क्यों आप कहीं के भी कबाब खा लो, क्यों नहीं कंपेयर कर पाते हो आप इसको किसी और जगह से, क्योंकि यार जो बनावट का जादू यहाँ पर है वो कहीं पर भी नहीं है। मतलब मैं अगर कबाब को सिर्फ सिंगल एक कबाब को लेकर टेस्ट करता हूँ, एकदम घुल गया मुँह में, एकदम सॉफ्ट, और ना ही बहुत ज़्यादा स्पाइसी ना बहुत ज़्यादा माइल्ड। अच्छा, जैसा कहते हैं ना, एक लखनऊ वालों को कबाब पसंद है वैसा ही कबाब है, शब्दों में बयां नहीं कर सकता। तो अब आ रही है काले गाजर के हलवे की। अच्छा, मुझे ये पता चला कि जो काले गाजर का हलवा है ये शाम को मतलब प्रिपेयर होना दोपहर से शुरू हो जाता है और शाम को गरम गरम मिलता है। देखने में ही बहुत डिफरेंट लग रहा है, पता नहीं टेस्ट कैसा होगा, मैंने कभी भी नहीं टेस्ट किया। बहुत स्वीट, और मतलब जो गाजर की थिकनेस होती है ना गाजर के हलवे की, मतलब मेरे जो घर में गाजर का हलवा बनता है वो थोड़ा लाइट हो जाता है, क्योंकि दूध के साथ बनता है, ये भी दूध के साथ बनता है, लेकिन काफ़ी ज़्यादा थिक है, काफ़ी ज़्यादा टेक्सचर एकदम जैसे वो चमनप्राश की तरह इसका टेक्सचर है। तो काले गाजर का हलवा एकदम मस्त ट्राई है ना, आप ज़रूर आएँ। अगर कबाब खाने आ रहे हैं तो सामने ही काले गाजर का हलवा मिलेगा, वो भी ट्राई करें। अब ब्लॉग को मैं एंड करता हूँ यहाँ के हर चीज़ का रेट बताकर। तो टुंडे के कबाब तो मैंने खा लिए है ना, एक पीस जो था टुंडे कबाब का वो था 5 रुपये का, मतलब एक प्लेट में 4 थे तो 20 रुपये पर प्लेट, और पराठे का रेट था 10 रुपये। साथ ही साथ जो मैंने काले गाजर का हलवा खाया उसका रेट है 400 रुपीज़ पर केजी, मतलब 100 ग्राम 40 रुपये का। मैथ देख लीजिए, मैं पहले से क्लियर करके चलता हूँ, बहुत एक्यूरेट बताता हूँ, एक बार गलती कर चुका है। तो थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, अब मिलेंगे अपने नेक्स्ट एपिसोड के साथ, तब तक के लिए टाटा बाय बाय।